नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, उससे थोड़ा हमको मोटिवेट मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। डिसलाइक करने से भी हमको पता चलता है कि मुझ में अभी कमी है, ठीक है। तो दोस्तों आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व होगा, इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। हाँ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों यदि आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे कोई भी बुक से हो, मैथ का कोई भी बुक से हो और रीजनिंग का कोई भी बुक से हो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको प्रॉब्लम होगा तब, ठीक है। हाँ दोस्तों हमारी दादी का आज जो है एक अरसा है, मतलब आज पगड़ी चादर है, इसलिए आपको माथा छिलाया हुआ है, ठीक है। चलिए माथा से आपको हमको क्या लेना है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 22801 का वर्गमूल होगा, ध्यान दीजिएगा 22801 का वर्गमूल मतलब रूट चढ़ा दीजिए क्या होगा। दोस्तों हम तो कंसेप्ट मेथड भी बताए हुए हैं, लेकिन जब बड़ा डिजिट रहेगा तो कंसेप्ट मेथड अपनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये तो खैर 5 अंक 6 अंक का है तो बहुत आसानी से बनेगा ट्रिक से भी, और बड़ा को बनाने के लिए भी ट्रिक है, लेकिन बड़ा को कंसेप्ट से बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग बचपन से कंसेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं, और जब कंसेप्ट खराब रहता तो बचपन में हम लोगों को नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो हम लोग का जड़ जो है बचपना से है कंसेप्ट, तो अब ट्रिक भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं बना सकते हैं, और सब क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाइएगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, यानी दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ अंतिम में एक है ना, देखिएगा अंतिम में एक है तो इसका जो वर्गमूल करेंगे और जो संख्या आएगा इसके इकाई अंक या तो एक हो सकता है या 9 हो सकता है। ऐसा इसलिए कि एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक आएगा, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी अंतिम में एक ही आएगा, ठीक है। तो या तो एक का वर्गमूल एक होगा या 9 का स्क्वायर एक होगा अंतिम में। तो इसका जब वर्गमूल कीजिएगा तो या तो एक होगा या तो 9 होगा। अब देखिए वर्गमूल है तो 2 अंक छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ने के बाद में शेष अंक को देखिएगा किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो भाई साहब हमको पता है कि 15 के स्क्वायर होता है 225 और 16 के स्क्वायर होता है 256, इसी दोनों के स्क्वायर के बीच में ये 228 है। तो हमेशा छोटका लिखिएगा, हमेशा छोटका, 16 और 15 में छोटका 15 है तो 15 लिख दिए, ठीक है। अब इन दोनों में से यहाँ कौन आएगा इन दोनों के गुना करने के बाद पता चलेगा। गुना कर दीजिए 15 6 90, 15 9 24। अब बताइए 240 से या 228 छोटा है कि बड़ा है। यदि छोटा होगा तो दोनों में से जो छोटका होगा यहाँ बैठेगा, यदि यहाँ वाला से यहाँ वाला बड़ा होगा तो दोनों में से बड़ा जो होगा वही यहाँ बैठेगा। तो 240 से 228 छोटा है इसलिए छोटका बैठेगा, यानी एक बैठेगा, यानी कि 22801 का वर्गमूल 151 होगा और 151 का स्क्वायर 22801 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 151, ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिल खिलौना समझ कर ना खेलो मुझे, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2025 का वर्गमूल बताइए, 2025 का, ये तो सप्ताह ऐसा ही याद होगा 2025, अंतिम में 5 है तो भाई साहब वर्गमूल करने पर भी इकाई अंक 5 ही होगा। अब 2 अंक छोड़ दीजिए, अब 20 को देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 20 जो है 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, 4 5 में छोटका कौन, 4, तो 4 लिख दीजिए, यानी 45 का स्क्वायर 2025 होता है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 45 डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि 256 का वर्गमूल, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है, 256 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 16 होता है, ठीक है, तो आपका आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाग में 3136 पेड़ है, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितनी पेड़ है बाग में लाइन होगी। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब पहले समझिएगा कि
एक मान लीजिए मैदान, मान लीजिए एक मैदान मान लीजिए, इसमें टोटल फूल की संख्या, टोटल पेड़ कितना है, 3136 पेड़ है, लेकिन इसमें लाइन जितना लाइन है ना उतना ही एक लाइन में पेड़ है। अगर देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन है ना, छह लाइन में पेड़ है, तो यानी सब लाइन में छह छह को पेड़ होगा, तीन दो पाँच एक छः, सब में छः छः को, छः को लाइन में तो छः को पेड़, छः छः को फूल होगा प्रत्येक लाइन में। अगर सात को लाइन होगा तो सात सात को फूल होगा प्रत्येक लाइन में, यानी यदि पचास को लाइन होगा तो पचास पचास को फूल होगा प्रत्येक लाइन में। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः को लाइन है ना, तो सब लाइन में छः छः को होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, 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 ठीक है। अगर सात को लाइन रहता तो सात सात को, तो कहने का मतलब है हम मान लेते हैं कि एक्स को लाइन होगा, एक्स को लाइन होगा तो भाई साहब एक्स एक्स को फूल होगा प्रत्येक लाइन में, तो एक्स गुने एक्स, एक्स को लाइन है और प्रत्येक लाइन में एक्स एक्स को फूल है, गुना कर दीजिएगा तो टोटल फूल हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब समझिएगा, अगर छः छः को फूल है प्रत्येक लाइन में, लाइन की संख्या छः को है, तो छः गुने छः कर दीजिएगा तो टोटल फूल चलाया, या टोटल पेड़ कहिए, ठीक है, टोटल पेड़ कहिए, टोटल फूल कहिए। तो एक्स गो लाइन है आ एक लाइन में एक्स एक्स गो फूल है, तो एक्स में एक्स से गुना कर दीजिए तो कुल फूल हो, कुल फूल के पेड़ हो गया, और जबकि कुल फूल का पेड़ दिया है 3136, दोनों तो कुल है, इसलिए बराबर एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 3136, स्क्वायर हटेगा तो उधर उठ चढ़ेगा 3136, ठीक है। तो अभी ट्रिक बताते हैं, घबराइए नहीं, ठीक बताते हैं। चलिए इसका वर्गमूल कर दीजिए, तो छः है तो या तो अंतिम में चार होगा वर्गमूल करने पर, या छः होगा, चार के स्क्वायर 16 इकाई में छः, छः के स्क्वायर 36 इकाई में छः, ठीक है। तो अंतिम में दो अंक छोड़ दीजिए, अंतिम में दोनों में से कोई आएगा, दो अंक छोड़ दिए। अब इसको देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 31 जो है 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36, इसी दोनों के स्क्वायर के बीच में 31 है, तो हमेशा छोटका लिखाता है, छोटका यानी कि 5 लिखा गया। अभी दोनों में से कौन आएगा ये गुना करने के बाद पता चलेगा, तो 6 5 30। अब बताइए 30 से ही मतलब बड़ा है कि छोटा है, तो 30 से ही 31 जो है ना बड़ा है, तो बड़ा है तो ये दोनों में से बड़का कौन है, 6, तो 6 लिखा गया, यानी कि 56 को पेड़ बोलिए या प्रत्येक लाइन में 56 56 को फूल बोलिए, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 56। लेकिन उतना ही और जितना ही चले ना, उतना ही और जितना ही जब क्वेश्चन में चर्चा कर दे तो बस कुछ नहीं वर्गमूल कर दीजिएगा, वर्गमूल कर दीजिएगा, हो गया आंसर आपका, ठीक है। इस समझाने के लिए इतना काम किए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 56, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.4 को 0.64 का वर्गमूल, 0.4 को 0 2 3 4 और 64 का वर्गमूल मतलब रूट। अब ध्यान दीजिए ये 0 फिरो को छोड़ दीजिएगा, केवल संख्या के देखिए ना कि किसका स्क्वायर है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है 8। अब देखिए दशमलव कहने के बाद है, 2 4 6 अंक बाद है, तो वर्गमूल करने पर बाहर निकलेगा तो 3 अंक बाद, 1 2 3 दशमलव यहां बैठा दीजिए, यानी कि इसका वर्गमूल 0.4 को 0.64 का वर्गमूल होगा 0.008, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर निम्न में से किसका वर्ग है, एक्स स्क्वायर निम्न में से किसका वर्ग है, पता चार को ऑप्शन जो दिया है उसमें से किसका वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एक्स, ऑप्शन नंबर डी कहता है माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी में कहता है दोनों मतलब बोथ, ऑप्शन नंबर डी कहता है नॉन मतलब इनमें से कोई नहीं, ए बी बी और सी और डी, कौन ऑप्शन होगा बताइए। एक्स स्क्वायर निम्न में से किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, तो ध्यान दीजिए माइनस एक्स का वर्ग कीजिएगा तो माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स का वर्ग कीजिएगा तो माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग कीजिएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का वर्ग कीजिएगा तो भी प्लस एक्स स्क्वायर आएगा भाई साहब, क्योंकि माइनस एक्स गुने माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनसो एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लसो एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो भी एक्स स्क्वायर होगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बोथ, मतलब दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो ठहर परदेसी याद का निभाओगी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, मतलब ऑप्शन में चार ऑप्शन में कौन कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 576 बराबर 24 ए में, बी में क्या कहता है, बी में कहता है 0.0076 बराबर 26 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है 0.784 बराबर 28 होगा, 0.4 अंक बाद 2 अंक बाद। ऑप्शन नंबर डी में है रूट अंडर 0.1020 बराबर 42, कौन गलत है बता दीजिए। तो दोस्तों 24 के स्क्वायर 576 के बराबर 24 होता है, सही है। यहाँ तक ये 26 का स्क्वायर 676 होता है, मतलब 0676 का वर्गमूल 0.0026 होता है, सही है। सीधे सोचिए ना कि 26 के स्क्वायर 676 होता है, सही है। 28 के स्क्वायर 784 होता है, सही है। 42 के स्क्वायर 224 नहीं होता है, 1764 होता है। ये बात पता होगा कि 42 का स्क्वायर 1764 होता है, और 1764 में कौन युद्ध हुआ था यह बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन ही बोल देगा, चलिए ऑप्शन नहीं बताएंगे। अब बताइएगा कि 1764 में कौन युद्ध हुआ था, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। 42 के स्क्वायर 1724 जो है, 224 जो है 32 के स्क्वायर है, या 2 के पावर 10 1024 होता है, 2 के पावर 10 1024 होता है, या 32 के स्क्वायर भी 1024 होता है। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी आपका आंसर डी होगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हाथों में मेहंदी मंग सिंदूर बर्बादी कजरवा हो गए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 0.00061 का मान बता दीजिए। इतना डिजिट देखकर घबराना चाहिएगा, इस सब आपको फंसाना चाह रहा है, लेकिन नहीं, इधर छोड़िए, इतना से मतलब रखिए, इतना के वर्गमूल निकाल लीजिए, दशमलव का बाद में कीजिएगा। तो देखिए वर्गमूल अंतिम में 6 है ना, तो इसका वर्ग कीजिएगा ना, इसका वर्गमूल कीजिएगा तो अंतिम में 4 या तो 6 होगा, ठीक है। 4 के स्क्वायर 16 में इकाई 6, 6 के स्क्वायर 36 में इकाई 6, तो ये दोनों में से कोई आएगा। अब वर्गमूल है तो दो अंक छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो 24 के स्क्वायर होता है 576, अब 25 के स्क्वायर होता है 625, तो इसी दोनों के बीच में तो ही है 605। हमेशा छुटका लिखिएगा, हमेशा छुटका। अब इन दोनों में से कौन यहाँ बैठेगा, इसको गुना करने के बाद पता चलेगा। तब 25 चौके 100 के 0 हासिल 10, 25 दूरी 50 है 10, 60, इन दोनों के गुना कितना है 600। अब बताइए यहाँ वाला 605 ये 600 से बड़ा है कि छोटा है, तो 600 से यहाँ 605 बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही लिखिएगा। देखिए यानी कि 60, 51, 6 का वर्गमूल कीजिएगा तो 246 आएगा, यानी 246 के स्क्वायर इतना है। अब दशमलव बैठाइए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो अंक बाद है, दशमलव के बाद 8 गो अंक है तो बाहर निकलेगा, दशमलव के बाद 4 गो अंक होगा, 1, 2, 3, एक अपना मन से 0 दे दीजिए और दशमलव, यानी आपका आंसर जो हो गया 0.0246, ठीक है। देख लीजिए 2, 4, 6, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए दशमलव बाद 1 को 0 है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हायो रब्बा दिल जलता है झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 + 2√10 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल कहने का मतलब है भाई साहब इस पे रूट चढ़ा दीजिए, हो गया। अब देखिए इसका ट्रिक आपको दिमाग में कैसे ठोकते हैं।
जब रूट पर रूट होगा, जब रूट पर रूट हो तो उस रूट के पीछे में दू होना चाहिए, जब रूट पर रूट हो तो रूट के पीछे में दू होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो रूट के पीछे में देखिए रूट पर रूट है और रूट के पीछे में दू है, तो क्या कीजिएगा, नहीं रहता है तो अपना से भी दू बनाया जाता है। यदि आगे क्वेश्चन होगा तो हम बना के बताएंगे, ठीक है, नहीं तो आर्य सागर में बहुत क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तब क्या कीजिएगा, देखिए रूट पर रूट है और रूट के पीछे में दू है, तो क्या कीजिएगा, इस दस को दो ऐसा पार्ट में तोड़ दीजिए कि जोड़ घटाओ करे तो सात हो जाए और गुना करे तो दस हो जाए। तो पांच और दू, पांच और दू, पांच और दू जोड़िएगा तो सात हो जाएगा और पांच में दू से गुना कीजिएगा तो दस हो जाएगा। तो इसी पांच और दू को लिख लीजिए, पहले बड़का को लिखिए और बाद में छोटका को लिखिए, ठीक है, और जो चिन्ह है वही चिन्ह दीजिएगा। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, अब माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, और टोपी जरूर पहना दीजिएगा क्योंकि ठंड का सीजन आ गया है। यानी आपका आंसर हो गया रूट पांच प्लस रूट टू, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें, वाट, वाट के जगह भैया हम एक्स लिखते हैं, अब बट्टा में दिया है नौ तो नौ लिखते हैं, फिर यहाँ क्या दिया है बराबर, बराबर 16, अब बट्टा में वाट तो वाट के जगह एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बराबर में तिरछा से गुना होता है, तो एक्स में एक से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 16 में 9 से गुना कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हटेगा तो बराबर को जरूर चढ़ेगा, एक्स 144 के वर्गमूल कितना होता है 12, 12 के स्क्वायर 144 होता है। तो आपका आंसर जो हो गया एक्स का वैल्यू मतलब वाट का वैल्यू 12, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इससे आगे क्वेश्चन लेके अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज हम केस सिलवा लिए, जरा आपको खोल के बता देते हैं, ठीक है, कैसा लग रहा है, एकदम बाल्ड, बाल्ड मतलब टकला होता है, कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।